नमस्कार साथियों, आज हम बात कर लेते हैं भाई दुबई से रिलेटेड। जी हाँ, और ये वीडियो इम्पोर्टेंट इसलिए होने वाला है कि दुबई में भी इंडिया जैसा गेम स्टार्ट हो चुका है। हालांकि मैंने पहले भी एक दो बार वीडियो बनाए थे, एक बार आज से 2 महीने पहले मेरे पास, मैं बता दूं, अब रियलिटी उसका डॉक्यूमेंट मुझे मिले नहीं क्योंकि व्हाट्सएप पे ज्यादा हो जाते हैं तो गुम हो जाते, पता नहीं लगता। पाकिस्तान का बंदा दुबई में रह रहा है, एक सोच, ये हकीकत है ये। पाकिस्तान का बंदा दुबई में जॉब कर रहा है, कोई इंडियन बंदा उसका कोई जानकार था, उनके द्वारा कोई इंडियन कॉन्टेक्ट एजेंट के कॉन्टेक्ट में आ जाता है। एजेंट ने बोला कोई बात नहीं, आप अपने डॉक्यूमेंट भेज दो, हम आपका कनाडा का वीजा लगवा देंगे। आप बताओ, पाकिस्तान का बंदा दुबई रहता है, दुबई से इंडिया डॉक्यूमेंट आते हैं एजेंट के पास में, वो बोलता है हम आपका कनाडा का वीजा लगवा देंगे इंडिया से। हद होती है यार झूठ बोलने की। खर्चा कितना? मात्र 50,000। हालांकि ये तो मैं लैंग्वेज मुंह से बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास उसका एविडेंस नहीं है, वो गुम हो गया 2-3 महीने पहले की बात है। अभी जो लेटेस्ट हम बात करेंगे दुबई से रिलेटेड, दुबई से कनाडा जाए। जी हाँ, अच्छा सिस्टम चला है, एजेंटों ने भी ये फार्मूला निकाला है क्योंकि इंडिया के काफी सारे दुनिया दुबई रहती है, आप सबको पता ही। इंडिया के जो लोग दुबई में रह रहे हैं वो ठीक है, सैलरी 1,000, 1,200, 1,300, 1,500, 2,000 जितने भी कमा रहे हैं, लेकिन वही है ना, आगे बढ़ने की चाहत होती है, उस चाहत में वो कहीं ना कहीं उनसे टकरा जाते हैं। जी हाँ, इंडिया में बैठे इंडिया में बैठे हैं वो दुबई जाने की सोचते हैं, दुबई में जो बैठे हैं वो आगे अच्छी कंट्री में और कनाडा भेज दो, सिंगापुर भेज दो, वगैरह वगैरह, वो उन कंट्रियों में जाने की सोचते हैं। ठीक है, तो उनके भी चूल लग जाती है और कहीं ना कहीं हम दूसरी जगह, वो क्या होता है वहां पर भी ऑफिस है, आपको पता है दुबई में भी तो ऑफिस है ना, जगह जगह आपको दुबई में लाइसेंस, दुबई में क्या है लाइसेंस लेके कोई भी 7-8 हज़ार दिराम का लाइसेंस आता है, कोई भी आप लाइसेंस लेके लोग बैठ जाते हैं, लाइसेंस ले लेते हैं, ऑफिस रेंट पे ले लेते हैं, वही इंडिया वाला सिस्टम वहां पे चलता है। हाँ, वहां पे इतना इलीगल नहीं कर सकते, ये मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन चक्कर कटाना कुछ लोगों को बेवकूफ बना दिया जाता है आराम से अच्छी तरह से। क्या दुबई में भी होता है ये सब? चीटिंग नहीं होती क्या? जॉब के नाम से आए दिन पेपर में मेरे पास न्यूज आती रहती है, फ्रॉड होता है, ये गवर्नमेंट आपको बोलती है फ्रॉड से बचे, इलीगल वगैरह इन चीजों से बचे, मैंने भी बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं। आज हम बात करेंगे, दो बंदे दुबई में इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहे हैं, इंडिया के बंदे, वो किसी के द्वारा या कैसे भी कोई कंसल्टेंसी ऑफिस में पहुंच जाते हैं, ऑफिस वालों की तरफ से उनको ऑफर लेटर दिया जाता है। ये पूरी बातें मेरे पास है, आपको मैं क्या दिखाएं, देख सकते हैं पूरा एक प्लान, जैसे LIC वाले एजेंट समझाते हैं ना प्लान की, इस तरह से कर लो, इतना टर्म और इतना पैसा आपको मिल जाएगा, ये देखिए अग्रीमेंट वगैरह, अपना लाइसेंस वगैरह सब दे देते हैं, कुछ नहीं है, बस एजेंट ऑफिस वाले, वही इंडिया वाला सेम प्रोसेस, सेम टू सेम वहां लागू हो गया। कैसे है बता देता हूं आपको, यहाँ पे बता दूं लगभग 4 से 5 हज़ार दराम का खर्चा आएगा जो आपको हमें देना होगा। ठीक है, और वो अगर आपको कम से कम 7-8 महीने का इसमें प्रोसेस में टाइम लगेगा, हम आपको कनाडा भेज देंगे, दुबई से कनाडा, इलेक्ट्रिशियन का आपका यहाँ जॉब है उसी जॉब में हम आपको भेजेंगे, आपका अलग से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, नहीं आपका कोई इंटरव्यू होगा, 7-8 महीने में हम आपका काम करवा देंगे। इसका खर्चा आगे जो आएगा 10,000 दराम, ठीक है, वो आपको मास सैलरी से कटवाना होगा, यानी 2 लाख, वो इंडिया वाला 2-3 लाख इंडिया में लेते हैं, 2-3 लाख वहां, सेम प्रोसेस है, लेकिन आपको हमारा जो चार्ज है 4-5 हज़ार दराम, इंडिया का 1 लाख रुपए मान लो, वो आपको यहाँ देना होगा। अगर आपके पास कैश पैसा नहीं है तो आप किस्तों में दे दीजिए, 1,500, 700, 800 रियाल इस तरह से। ठीक है, चलो बंदे बंदे ने पैसे दे दिए 4-5 हज़ार दराम जो भी मांगे दे दिए, 8 महीना निकल गए। जी हाँ, 8 महीने निकल गए, मेरे से कॉन्टेक्ट हुआ, मेरे को ये डॉक्यूमेंट उन्होंने भेजे गए कि सर ऐसे ऐसे है, हमसे सिर्फ पैसे लिए गए हैं और हमारी फोटोकॉपी रखी गई है, ये बोला कि जब वीजा आ जाएगा कंफर्म हो जाएगा तो आपको अपना पासपोर्ट यहाँ पे वेरिफिकेशन करने के लिए 2 दिन हमारे पास छोड़ना हो। जी हाँ, तो मेरी उनसे बातचीत हुई, कुछ बातें उनको बताई तो कुछ हो सकता है अनपढ़ कैटेगरी के बेचारे बंदे थे, पूरी बात समझ में नहीं आई, कुछ उनको अपनी तरफ से जो एजेंट अपनी तरफ कोशिश करता है, ये कोई साइट दे देना, ये साइट चेक कर लो जी, वो कर लो, हमारा लाइसेंस चेक कर लो, अरे लाइसेंस चेक करने से क्या होगा, लाइसेंस होने का मतलब गारंटी है 100% सही कि 100% जेन्युइन काम होगा, लाइसेंस वाले तो एक आड़ मिल जाती है कि हाँ अपने पास लाइसेंस है, तो वो तो थोड़ा सा फिर ज्यादा मन होता है कि यार चलो हम कर लेते हैं ऐसा, जबकि ऐसा क्या संभव है, दुबई से कनाडा जाना संभव है, संभव है, हम ये नहीं कहते नहीं जा सकते, लेकिन उसमें कंडीशन होती है बहुत सारी, तभी आप जा पाओगे। एक इलेक्ट्रिशियन बंदा दुबई में 2 साल से काम कर रहा है, वो कैसे पहुंच जाएगा, लेबर क्लास आदमी कनाडा चले जाएगा दुबई से। हाँ, फर्स्ट ग्रेड जॉब है, अच्छी उसकी तनख्वाह है, उसका उसका बैकअप आ रहा है, अच्छी उनकी फाइल रिटर्न है, तो वो विजिट वीजा पे वहां से आगे कनाडा जा सकता है, हम नहीं बोलते, जाते भी हैं लोग में, लेकिन जिस तरह से इन लोगों की ये सिचुएशन है, ये बिल्कुल नहीं जा सकते, तो इनका यही है। ठीक है, 7 महीने हो गए, क्या हुआ, बंदे का ऑफर लेटर भी नहीं है 7 महीने में, आप क्या मानोगे, कौन सा
7 महीने का टाइम दिया है तो आधा काम तो होना चाहिए ना भाई। मान लीजिए मैं बोलता हूँ ठीक है यार तेरे पास 1 घंटे में पहुंचता हूँ, तो मैं 2 घंटे में पहुंच जाऊं, 3 घंटे में पहुंच जाऊं, मैं 7 महीने में नहीं पहुंचू, इसका मतलब मैंने झूठ बोला है घर बैठे बैठे कि मैं तेरे पास 1 घंटे में पहुंच रहा हूँ, ये मतलब हो गया ना। 7 महीने में प्रोसेस का बोला तो थोड़ा बहुत तो प्रोसेस होना चाहिए। देखिए सर आपका लीमिया बना, आपका ऑफर लेटर आ गया, ये आपका देखो फाइल स्टेटस यहां तक पहुंच गया, ये आपका वो हो गया वगैरह वगैरह, कुछ तो होना चाहिए। 7 महीने में जहां है वही है, पैसे लिए हैं बस इतना ही है। अभी 1-2 महीने का ऑर्डर काट दिया, साल भर निकल जाता है, थोड़े बहुत पैसे काट लेते हैं, ज्यादा तो जरा आपका खर्चा हो गया जी, ज्यादा दबाव पड़ेगा तो पैसे वापस थोड़े बहुत हो जाएंगे, दबाव नहीं पड़ेगा तो पहले पूरे पैसे गए, ये होता है। तो दुबई से कनाडा जाने वाले खासतौर से इस बात का ध्यान रखें, और मैं ये भी बोलता हूं कि कनाडा से लोग दुबई जाते हैं लेकिन उनकी शर्त और कंडीशनें अलग होती हैं, उनको अलग अलग क्या बहुत कुछ दिखाना होता है इसलिए वो जा पाते हैं। बाकी हर आदमी अगर इस तरह से जाने लगेंगे तो इन एजेंटों के चक्कर कहां जुड़ रहे हैं, यहां से दुबई जाओ 1-2 साल वहां पे रुको और वहां से फिर सीधे कनाडा पहुंच जाओ, दुबई से ज्यादा भीड़ तो कनाडा में हो जाएगी। इस तरह से अगर जाने लग गया इतना आसान है, बिना इंटरव्यू के एकदम आराम से आप पैसा दे दो, पासपोर्ट की फोटोकॉपी रख लिया, बस आपको 7-8 महीने में काम करवा देंगे, साल भर में करवा देंगे, ये कौन सी गणित है भाई। ऐसी झांसा आपको भी कोई दे रहा है तो ये मान लीजिए फेक है, और दुबई में तो पैसा आराम से निकल जाएगा, सीधा पुलिस में पहुंचो जी उनके, क्योंकि आपको स्लिप मिली होती है एजेंटों के खिलाफ में, कोई सबूत होते हैं, सीधा मुकदमा दर्ज करवा दो उनके खिलाफ में, उनको दुबई में रहना ही मुश्किल हो जाएगा। वो तो बोलते हैं कि हम काम करते हैं, वो तो दुबई से बोल या बिस्तर अपने कंट्री भागते हुए दिखेंगे आपको, गारंटी की बात है। तो दुबई में कोई पैसा नहीं खा सकता। अभी मैं दुबई में जो कुछ एजेंट है उनके खिलाफ भी वीडियो बनाने वाला हूँ, जल्दी उनका पर्दाफाश हम करेंगे विद फोटो और वीडियो भी मेरे पास है। तो आपको भी अगर पहचानते हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि एजेंट दुबई में पैसे नहीं खा सकते, पैसे खाएंगे लेकिन उनको थोड़े दिन वो रहेंगे, उसके बाद उनको ब्लैकलिस्ट, उनके ऊपर मुकदमा लगेगा, जब तक पैसा कंप्लीट नहीं करेंगे वो दुबई नहीं छोड़ सकते और वहां पे रह भी नहीं सकते, ये स्थिति एजेंटों की हो जाती है। तो थोड़ा सा देखिए सोचिए समझिए, दुबई से कनाडा जाने वालों के जो लोग ऐसे ऑफर दे रहे हैं उनसे थोड़ा बच ले आप, तो आपके लिए अच्छा होगा। हाँ बाकी जिनकी प्रोफाइल अच्छी है उनको एजेंटों की जरूरत नहीं होती है, वो बिना एजेंटों के भी जा सकते हैं, एजेंट तो कनाडा काम किसको भेजते हैं भाई, हाँ पैसा ले लेते हैं इतना काम कर सकते हैं वो। तो इन चीजों से आपको देख लें सोच लें, बाकी आगे और भी हम इससे रिलेटेड वीडियो बनाते रहेंगे। आपके साथ भी ऐसा लगता है कि कनाडा के नाम से आपसे कोई डील चल रही है तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट जरूर करें ताकि हम उस मैटर को आगे बढ़ा सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद जय।